नमस्कार। इस साल हर वर्ष की भांति सुजानपुर होली महोत्सव का आयोजन जो है बहुत धूमधाम से और बहुत सारी तैयारियों के साथ जो है 5 से 8 मार्च 2023 को किया जा रहा है। सभी हमीरपुर के जिलावासियों से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर होली महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हर साल की भांति सुजानपुर टीरा चौगान में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों से स्टॉल, झूले, खाने पीने का सामान, दूसरे सामग्रियों के जो है प्रदर्शनी और मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों के जो गतिविधि है उस बारे में भी खास प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इस साल के होली मेले की खास एक हाईलाइट जो है वो रहेगी कि हमारे काफी समय बाद सुजानपुर होली महोत्सव में राष्ट्र स्तरीय सरस मेले का आयोजन साथ साथ में ही किया जा रहा है, चौगान में ही। और सरस मेले में लगभग 16 देश के राज्यों के जो है अलग अलग ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं जो अपने रूरल प्रोडक्ट्स का कार्य कर रही हैं, वो अपने सामान जो है उसका डिस्प्ले और उसकी एग्जिबिशन करेंगे और सेल परचेज होगा। साथ साथ में खास फूड कोर्ट जो है हिमाचली ट्रेडिशनल व्यंजनों का, वो भी खासकर हिमाचल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं द्वारा लगाया जाएगा। तो आप सभी जो है इस पे भरपूर अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें, अपने परिवार के साथ आए, अपने दोस्तों के साथ आए। इसी के साथ साथ हमारे 4 दिन की सांस्कृतिक संध्याओं के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं सबको मनोरंजन के लिए और सबके एंटरटेनमेंट के लिए उनको बुलाया जा रहा है। उसमें खास जो है जगह हमारे 4 दिनों में हिमाचली कलाकारों को भी खास जगह दी जा रही है, ताकि हिमाचली जो लोकल टैलेंट है उसको भी प्रमोट किया जा सके इस माध्यम से। और सभी के जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि ऑनरेबल सीएम मुख्यमंत्री महोदय जो है हमारे 5 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पे जो है शामिल होंगे हमारे साथ, और क्लोजिंग सेरेमनी जो कि 8 मार्च को होगा मेले का, उसमें ऑनरेबल स्पीकर साहब जो हैं, विधानसभा स्पीकर हैं, वो हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। 8 मार्च का कार्यक्रम और खास इसलिए है क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल महिला दिवस जो है के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में, और उस दिन का जो सांस्कृतिक संध्या होगी वो खासकर महिलाओं के नाम पे होगी, और महिला जो है आर्टिस्ट हैं वो ही उस दिन जो है खास तौर पे परफॉर्म करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत पसंद आए ये सभी कार्यक्रम।